गरम समोसे और नान टिक्कियां वगैरह में नजर आई हैं। चले जी, हर दफा की तरह इस दफा भी जनाब आपका भाई जान। अच्छा, अले भी कह रहे थे मैंने नहीं पीनी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह पी गए हैं। मुकाबला ये देख रहे हैं आज कितने ज्यादा रैकेट्स इकट्ठे हो गए हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सर? उम्मीद है आप सब खैर करिए, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई जान, आज हमारी छुट्टियों का दिन दूसरा दिन है, छुट्टियाँ चल रही हैं। कल का दिन आपको दिखाया, दराज से ऑर्डर वगैरह आए थे, रिसीव किए हैं। आज हाँ भी यार, उसका सामान लेने जाना है भाई। ऐसी बात है, ठीक है, कल आ गए तो हमने चाय भी तो पी लिया, तो चाय का सामान लेने भी आज जाएंगे। और एक बात, सुबह सुबह रैकेट आ गया पकड़ा हुआ, आज आने का इरादा है भाई। कल भी ये बंदा आ रहा था, आज फिर इसको हरा था, आ जाते साल मैंने भाई। कल भी चूल्हे जोकर पहने हुए थे, लेकिन आज मैंने बेशक सिंपल शूज पहने, लेकिन मैंने शूज पहने हुए आज तो कभी भी नहीं किए सर। यार बात जोकर की नहीं होती, बात होती है जिगरे की। कल भी आया था, आज भी रहेंगे इंशाल्लाह। चले खैर, चलते हैं आपको दिखाते हैं, लेके पहले जाते हैं, चीजें लेके आते हैं, फिर खेलेंगे। ठीक है, ओके हो गया। चले जी, मिलते हैं आपसे। तो चले जी, अब लेने जाने लगे हैं चाय का सामान। और जैसा कि आपसे अभी कमिटमेंट हुई थी कि सबसे पहले चाय का सामान लेने जाएंगे, तो जैसे ही आपको गुड मॉर्निंग बोला तो हम जा रहे हैं चाय का सामान लेने। तो जी चलते हैं जाके। यार कहाँ से लेना है भाई? चलेंगे तो पता चलेगा ना। चलो भाई, फिर चलते हैं और जाके चाय का सामान लेते हैं। ओके, मुझे पूरा यकीन। जी हम आ गए याकूब प्लास्टिक स्टोर, जहाँ पे मिलती है हर किस्म की आइसक्रीम, कुछ दूध का सामान, ये वो सारा कुछ। तो ये अबरार लगा हुआ है यहाँ पे बात वगैरह करने के लिए। अच्छा यार, वो कुछ दूध भी ले ले। हाँ वो भी यहीं से ले ले। ये भाई मैंने पढ़ाया ऑडियंस को, ये होलसेल शॉप, उसमें डब्बा नहीं होता, उसमें बॉक्स नहीं होता, लेकिन ये इसकी एक्सपायरी लिखी होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 18/9/2023 और एक्सपायरी है 6 महीने बाद की होती है। 6 महीने बाद की। देखो चले फिर देखते हैं भाई को, अभी आते हैं, उन्हें ग्रीन टी का है, ग्रीन टी लेने गए हैं, टी बैग उसके भी, उसके अलावा अभी ड्राई वो आ गई। तो जी हमारी ग्रीन टी भी आ गई है, लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर भी आ गई, जबरदस्त, मतलब हमें लेमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इसके अंदर कितने बैग हैं? अच्छा तो भाई शॉपिंग वगैरह तो होती रहेगी, हम यहाँ पे आए थे मोची बाजार, तो भाई यहाँ पे ना गर्मा गर्म समोसे और नान टिक्कियाँ वगैरह हमें नजर आई हैं। हमने कहा पहले थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट हो जाए, समोसे काफी ना फ्रेश और अच्छे लग रहे थे, क्यों उस्मानी? बिल्कुल ऐसे ही यार, मुझे तो बल्कि बड़ी खुशी हुई है जब आपने मुझे बुलाया। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा उस्मानी साहब आ जाओ, कुछ खिला दो। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं हुई, वहाँ से हमें ना वो ये आपको रक्षा नजर आ रहा, रक्षे के पीछे से भाई को नजर आया, मतलब बास की आंख से भाई ने देखे, बास की आंख से मैंने देखे, और उस्मानी ने शेर वाले दिल से कहा कि मैं खिलाऊंगा। लेकिन भाई आपने ये नहीं देखा कि समोसे के साथ माशाल्लाह टिक्कियां भी पड़ी है, और भाई दही आया, अंकल बना रहे हैं चटनी। हाँ जी, साथ चटनी खाएंगे और साथ बीच समोसे खाएंगे, तो आप हमें ज्वाइन करें, आपको दिखाते हैं समोसे। हाँ जी, सिर्फ आपने देखने के लिए ज्वाइन करना हमने, बिकॉज वीडियो जब तक आपने देखनी है हमने खा चुके होना। अच्छा जी, हर दफा की तरह आज भी मैं ही होस्टिंग कर रहा हूँ खाने की, और अबरार साहब हर दफा की तरह इस दफा भी देना वो टेस्ट बताएंगे आपको के कैसा है। भाई सबसे पहले हम नान टिक्की भी हमला करेंगे, नान लिया, थोड़ी सी ली टिक्की। हाँ जी, यहाँ से लगाई चटनी। बिल्कुल लगा लीजिए। अच्छा फेस इम्प्रेशन उसका यही बता रहा है की उसने अंगूठा ही दिखाना हमें। यार मजा नहीं है, टिक्की बहुत ज्यादा टेस्टी है। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक हो गया बॉस। अच्छा भैया, आपने बस अभी तक ना कॉटन कैंडी खाई होगी, बनते हुए बहुत कम देखी होगी। मैंने भी बस बहुत कम देखी है, बट धर्मपुरे में गुजरते हुए फैसल बैंक, बैंक अल्फला, टोटल पार्क के बिल्कुल सामने ये भाई बैठे हुए हैं कॉटन कैंडी, ये जनाब बनने लगी है स्पेशल एक, तो फिर आपको दिखाते हैं। स्टार्ट इन्होंने कर दिया बनाना। आप पैकिंग में भी देखो भाई, बड़ी हैवी है, मतलब कोई छोटा साइज नहीं है कॉटन की। आइए बहुत बड़ी बना दी है, क्या बात।
और भैया है कितने की? भैया नहीं, इसका प्राइस भी जो है वो बड़ी जबरदस्त है, 70 रुपीज। तो जो शौक रखते हैं कॉटन कैंडी का वो जरूर आए, चक्कर लगाए और खाए यहाँ से। अच्छा मुझे शौक है इसलिए मैं आ गया। चले जी भाई, तो चाय हमारी रेडी हो गई है, बल्कि आधा आधा कप लोगों ने पी भी लिया है। 5 कप माशाल्लाह पहली टी कैटर से बने हैं, और चाय बनाई आपके भाई ने, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी है। इनके रिमार्क सुन लेते हैं। नहीं, चाय बहुत जबरदस्त बनी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी अनएक्सपीरियंस बंदे का। नहीं नहीं भाई, अनएक्सपीरियंस की वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जबरदस्त तजर्बा रहा है माशाल्लाह। चाय वाले को इजी नहीं लेना, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। हाँ भाई, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। अली भाई आप बताए कैसे? बहुत अच्छी टेस्टी। अच्छा अली भाई कह रहे थे मैंने नहीं पीनी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह पी गए हैं। ना पीते पीते पी गए, ना पीते पीते पी गए। यार मुझे भी बहुत अच्छी लगी है भाई, उस्मानी का तो था ही, मैंने तो इसे कहा था हमारे पास डिस्पेंसर पड़ा हुआ या फिर चूल्हे पे कर लेंगे गर्म, लेकिन उस्मानी ने कहा नहीं भाई कैटल में ही करना है। तो कैटल का निजाम आपने देखा है, पहले शॉपिंग भी करके हम लोग गए हैं, तो बड़ा अच्छा निजाम रहा, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, सोचा था कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज शॉपिंग किया तो आज ही पहला पहला कब कर, दूध ताजा था ना इसलिए। मेहमानों का पता नहीं ना लग जाता कब आना है। बिल्कुल, आज ही आपकी शुरू हो गई प्रैक्टिस, मेहमान आज आ गए। तो आज की चाय का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गया हमारा, तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह से डेली बेसिस पे। अच्छा भाई कल हम ग्रीन टी भी, इंशाल्लाह कल ग्रीन टी, कल ग्रीन टी। और भाई रेडी है ना आज की बैडमिंटन के लिए? कुरम भी तैयार है? मैं तैयार। अच्छा कुरम भाई की तबीयत अपसेट है, अगर ये जीत भी गए ना तो हमने हमारी तरफ से इनकी जीत होगी। मैं जब ठीक था ना मैं तभी जीत जाता था, बीमार भी जीत जाऊंगा। कहते हैं कि बीमारों का ना मतलब जो बंदा ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। मैं खेलते ही नहीं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह बैडमिंटन के पॉट में मुलाकात होगी। तो लो भाई चाय चाय हमने पी ली है, अब आप हम लोग लगाएंगे बैडमिंटन का मुकाबला। ये देख रहे हैं आज कितने ज्यादा रैकेट इकट्ठे हो गए हैं। उस्मानी साहब गए हैं शटल लेने के लिए, और हम भी आप अपनी पसंद करें, आप जो मर्जी दे दें प्लेयर के लिए, जेरी मर्जी तलवार, जो मर्जी आप कौन सी तलवार लेंगे, ये वाली? उस्मानी साहब आप रेड वाली पकड़े। आज आज भाई उस्मानी फिर से हारेगा, कल भी आ रहा था फिर हारेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुननी कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं बीमार बंदे की करता हूं हया, तो ये आज जीत जाएंगे। मैं तो रोज जीत जाता हूं। अच्छा यकीन नहीं कर रहा, डर रहा है वो, देखे उसकी टांगे कांप रही हैं। अच्छा अभी एक बात बताऊं, मैं मैक्सवेल की तरह ना एक टांग पे खेलूंगा फिर भी जीत जाऊंगा। चलें जी आपको गेम प्ले दिखाते हैं। गेम्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, आज बहुत ज़्यादा गेम खेली है, बहुत इंजॉय किया है और बड़ा मज़ा आया। मज़ा इस तरीके से आया क्योंकि बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने के बाद माशाल्लाह खुर्रम भाई की तबीयत ख़राब थी, इन्होंने आखिरी गेम में चैलेंज कर लिया था, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका चैलेंज। यू नो अबाउट माई पर्सनैलिटी कि मेरी पर्सनैलिटी जब वो चैलेंज बर्दाश्त नहीं करता। नहीं नहीं बिल्कुल वीडियो बनी है, ये आखिरी गेम की वीडियो भी बनी होगी मुझे उम्मीद है। क्यों अली भाई कैसे आप फील कर रहे हैं आप? भाई सारी बातें अपनी जगह, भाई इसको गेम रिजल्ट को छोड़ो, लेकिन मैं आज अली भाई का दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि अली भाई ने आज वो शॉटें खेली हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि मैं दोबारा भी नहीं जैसे कहते हैं सीख के खेल सकता। देखो एक यहाँ से करके ना, यहाँ से मैं कहता हूँ कोई पाए का प्लेयर भी नहीं खेल सकता, लेकिन अली भाई ने ये शॉट खेली है। यार नहीं नहीं टू बी ऑनेस्ट बड़ी अच्छी शॉट थी, अनएक्सपेक्टेड शॉट थी, अनएक्सपेक्टेड, बड़ा मजा आया। और वो जो इन्होंने यूं करके ले वो तो कमाल थी। और ये लास्ट हमारी गेम मेरी भाई ने जितनी शॉटें खेली है, मैं गेम हार गया था लेकिन यकीन करें मेरे दिल में अली भाई जीत गए। तो आज का हम ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अच्छा यार वो मेरा ख्याल जो कॉटन कैंडी हमने खाई आज, हाँ। कॉटन कैंडी का जिक्र तो नहीं हमने इनके साथ किया? नहीं 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 वो भी मैं वो वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। हाँ यार हमने कॉटन कैंडी भी खाई है, वो भी यार आपने बिल्कुल बराबर को कहा, मैंने थोड़ा सा क्लिप तो बनाया था उसका, पता नहीं शायद सही बना भी है कि नहीं बना। तो इसी के साथ जनाब आज का हमारा दिन खत्म होता है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोज को लाइक करना है, कमेंट्स लाजमी करने हैं और बेल आइकन पे
बेल आइकन वाला तो बोला यार, बेल आइकन यानी घंटी, घंटी बजा के जाना, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ये यो यो। ठीक हो गया जी, हम ब्लॉग की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।